अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज सुबह हो चुकी है, नाश्ता कर रहे हैं और रियान स्कूल जा चुके हैं। रियान को स्कूल अभी अभी मैंने भेजा है, भेज के मैंने कहा जल्दी से मैं जाकर नाश्ता वास्ता कर लूँ। उमर शायद सो रही हैं, उनका 12:30 सोने का वक्त टाइम है। और बस अब नाश्ता करते हैं, फिर अपना काम वाम करते हैं। ज़रा मैं बाहर आ गई हूँ, अब देखें बादल, देखें कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। रोज़ाना रोज़ाना इतने बादल आए हुए होते हैं, लेकिन जब दोपहर में इतनी तेज़ कड़क धूप होती है, मुझे यकीन नहीं होता कि सुबह इतने अच्छे बादल थे, वो कहाँ चले गए। अच्छा जी, रियान जा चुके हैं चक्की लिए, नाश्ता भी कर लिया है, अब ये हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। जल्दी से रेडी हो जाएंगे और फिर निकलते हैं। चक्की लिए आपका पर्स बाहर आ रहा है, इसको तो अंदर कर लें, जेब छोटी है। जाए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। उठाए अपना सामान, अल्लाह हाफिज़। उमुल खैर भी उड़ गई हैं, इनकी हो गई है सुबह। उमुल खैर अस्सलाम वालेकुम बोलिए, यहाँ देखिए देखिए जोर रो क्यों हो रही हूँ, सही से बोलो अस्सलाम वालेकुम। देखो आपको सब देख रहे हैं, देखो देखिए ना इधर देखिए, सब देख रहे हैं। करना आपको इधर देखिए, अब बोलो इधर देख के बोलो ना उमुल खैर, ये नखरे ये नखरे। अरे भैया देखिए ना, यहाँ देखिए मम्मा को, गुड़िया मेरी शहजादी कौन है। ये देखिए मैंने अपनी बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर लिया है। और अब मुझे जाना है किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे किचन में बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं मतलब धोने के। आइए आप भी आइए मेरे साथ, उमुल खैर मेरे साथ साथ रहती हैं मुसलसल। उमुल खैर आइए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना सालन गरम करने के लिए, रात का सालन जो है उसको पका रही हूँ, ख़राब ना हो जाए। ये बर्तन है जो सुबह के नाश्ते में मेरे गंदे हुए हैं, इनको वॉश करना है जल्दी जल्दी, और इसको क्लियर करना है बिल्कुल ना, साफ़ करना है अच्छी तरह ना। अभी जैसे पानी वानी पड़ा हुआ है यहाँ पर, देखिए पानी पड़ा हुआ है, क्लियर करना है बिल्कुल साफ़ करना है। तो अभी क्लियर करती हूँ मैं जल्दी जल्दी। लाइट आ चुकी है, ये देखिए मैंने यहाँ बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। यहाँ उमुल खैर भी सो चुकी हैं बाहर, मैंने कपड़े धो के फैला दिए हैं। और रियान जो हैं अभी स्कूल से आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे। मैंने यहाँ लगाई हुई थी मशीन, ये देखें मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो लिए हैं और रियान के आने का इंतज़ार हो रहा है कि रियान आ रहे हैं 1 बजे, तो फिर मैं इनको खाना बना दूँ। मैं आपको किचन का दिखा देती हूँ, किचन का मेरा हो गया है काम, चल रही हुई है लाइट। रियान आ गए अंदर, और ये देखें रियान जल्दी से अभी कपड़े चेंज करो, ठीक है मैं दरवाज़ा बंद कर रही हूँ। अच्छा जी, मेरा काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए और रियान भी स्कूल से आ गए हैं। उमुल खैर सो रही थी अभी, अब रियान भी सो गए, और रियान ने खाना तो नहीं खाया पर रियान सो चुके हैं, देखें दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी उठेंगे तो मैं इनको उठाती हूँ मदरसे के लिए, मैं सोच रही हूँ उमुल खैर को मदरसे भेज दूँ, तो उसके लिए ज़रा कायदा ले के आ जाऊँ मार्केट से, तो कायदा होगा तो वो मार्केट से सितारा पढ़ लेंगे दोनों। मैं भी जाती हूँ फ़ौरन और माए दोनों के लिए कायदा भी लेके आती हूँ। और आज हो सका तो, उस दिन तो मेरी आईब्रो बनी नहीं, पार्लर बनता, अगर आज टाइम मिला तो मैं आज पार्लर भी जाऊँगी, कोशिश करूँगी पार्लर जाके अपनी आईब्रो भी बनवा लूँ। जी उमुल खैर आज जा रही है फ़र्स्ट टाइम सिपारा पढ़ने। उमुल खैर जी बोलें क्या हो, आज आप फर्स्ट टाइम जा रही हैं ना सिपारा पढ़ने, चली जाइए सिपारा पकड़े, इसका रियान इसका रुमाल आप पकड़ लो, चलें जल्दी चलें। गई उमुल खैर, उमुल हाथ पकड़ के जाना, नहीं मेरी बेटी कहाँ रोएगी, सलाम करना ज़ोर से, सलाम करते जाना ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, जाओ चली जाओ, रियान पैंट बेल्ट लगाओ, इधर आओ, करनी पड़ेगी चलो, हाँ सीने से लगा के जाओ रियान सिपारे को अच्छी तरह, रुमाल उमुल खैर को नीचे उतर के दे देना। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जाओ जी। अभी रियान मदरसे से आके ट्यूशन चले गए, मैंने छोड़ के अभी अभी आई हूँ उनकी और उनको, और आते टाइम मैंने कहा चले जब जा ही रही हूँ तो पार्लर से आईब्रो वगैरह भी बनवा लूँ। देखें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आईब्रो बनवाना चाहूँगी, मैंने आईब्रो बनवा ली हैं, और उस दिन तो पार्लर बंद था, अभी मैं गई हूँ तो अभी मैंने बनवाई है। और अभी देखें शायद अभी शकील भी नहीं आए, आज मैं शकील का वेट करती रही सुबह से, मगर अभी तक नहीं आए, हो सकता है आज आ जाएँ तो मैं मम्मी के घर जाऊँ। अच्छा जी, अब शकील और बच्चे आ चुके हैं, शकील भी अभी अभी आए हैं, आज दोपहर को भी लंच में नहीं आए शकील, अभी आए हैं, मैं अभी कॉल ही कर रही थी शकील कहाँ हैं अभी तक नहीं आए, तो अभी रास्ते में इनकी कॉल
आई, ये कॉल आई थी तो रास्ते में थी ये, तो उन्होंने कहा कि मैं कचौरियाँ लेके आ रहा हूँ, आप चाय बनाओ। तो बस मैंने चाय बनाई है और अभी अभी आए हैं, अभी खाए लोग कचौरियाँ वगैरह खा रहे हैं। लाइट गई हुई है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, रोशनी बहुत। हाँ खाएंगे इंशाल्लाह, सभी खाएंगे, अब सबको खिलाएंगे। आज अमुल खैर, यहाँ देखिए क्या कर रही हो, कचौरी खा रही हैं। चलो खा की पसंद की है, अमुल खैर की पसंद की आइए कचौरी। चले जी, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी अम्मी आई हैं इस्लामाबाद से, और अभी शकील आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि चलो तैयार हो जाओ, अम्मी के घर चलना है। तो मैंने कहा चलें सही है, ठीक है, अम्मी से मिलने के आते हैं। बहुत दिन हो गए अम्मी से मैं मिली नहीं हूँ, इस वजह से ना, जब मैं अम्मी से नहीं मिलती मेरा दिल भी नहीं लगता। तो अब अम्मी आ गई हैं तो ये है कि बच्चे भी बोल रहे थे कि ना अम्मी के घर चलें, अम्मी के घर चलें, कि मेरे बच्चे अम्मी को नानी नहीं बोलते, अम्मी ही बोलते हैं। तो वो कह रहे थे अम्मी के घर चले, तो मैंने कहा चलो सही है, ठीक है, बाबा से पूछते हैं, अगर बाबा चलते हैं आपके। तो बस ये है कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, फिर आप लोगों को वहाँ पे अम्मी से मिलवाती हूँ। हम अपनी अम्मी के घर आ चुके हैं, अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। मेरी अम्मी घूमने गई हुई थी इस्लामाबाद वगैरह, उस दिन मैंने आपको अपनी खाला से मिलवाया था, आज मेरी अम्मी से मिलवाएं। अम्मी को हो रही है खांसी, ये देखें। सलाम करिए, बीमार हो गई। ये है मेरी अम्मी, बहुत दिन हो गए थे अम्मी से मिली नहीं थी, गई हुई थी इस्लामाबाद, को अकेले घूम के आ गई। बच्चे भी याद कर रहे थे आपको, अम्मी का है, अम्मी का है, उस दिन आई भी थी घूमने गई। मेरी अम्मी मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई है, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मेरी अम्मी और आप ही ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। मैं दिखा दूँ, मुझे मेरी बेटे के लिए रयान के लिए दिया है, रयान के लिए है जैकेट है, ये जैकेट है, मैं खोल के दिखा दूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और आप, और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों के लिए ले गए हैं आप लोग, और आप थैंक यू सो मच जी। मैं अम्मी के घर से आ गई हूँ और बच्चे बहुत थके हुए थे, उनको नींद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा आप लोग लेटो, मैं ज़रा अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, अभी तक मैंने अल्लाह नहीं कहा। मैंने कहा चलो मैं ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ, सो जाऊँ। तो अम्मी के घर गई, बहुत अच्छा लगा, अम्मी के घर बहुत दिनों बाद मैं मिल रही हूँ, अम्मा जी बहुत सारे गिफ्ट लेके आई, मुझे अच्छा लगा अम्मी से मिल के। और आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।